Hi kids, welcome to the session. This is Himanshi Singh, your botany faculty. So today we are going to discuss a very important topic from transport in plants, and the topic that we are going to discuss is water potential, solute potential and pressure potential. So let's get started. For the students who don't know me, this is my introduction. I'm Himanshi Singh, your biology faculty, having 5+ years of teaching experience, mentored and guided 10,000+ students. The best NEET biology score produced by one of my students is 340 out of 360. And along with this, I'm CSIR, JRF, NET qualified. Now moving forward. So the first thing that we are going to discuss is water potential. So water potential kya hota hai, bachcho, humare paas? Dekho, water hum sabko pata hai, pani, hai na? To pani ke paas kuch potential hai. Jaise tumhare paas potential hai, NEET ka exam clear karne ki. Aise hi humare paas water potential hai. अब वाटर एक्चुअली में क्या होता है, देखो वाटर हमारे पास मेनली क्या है बच्चे, पानी. पानी क्या है हमारे पास, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है. ये मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, दे आर फ्री. ये फ्री है कि ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन, राइट. कहीं पे भी जिसका जहां मन जाएगा वो वहां पे मूव कर सकता है. सो दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है. ये एक रैंडम मोशन शो कर सकते हैं, एंड दिस रैंडम मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. किसकी वजह से हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रैंडम मोशन शो कर रहा है. अब हम ये मान लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, हम अपनी समझदारी के लिए क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को मान रहे इक्वल टू बॉयज, ठीक है. ये हमारे लड़के आ गए, वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. और ये मूवमेंट किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से. अब ये जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है, दिस रैंडम मूवमेंट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वाटर पोटेंशियल. इसी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है. कि भैया पानी के पास जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस कर सकते हैं, ये मूवमेंट हमारे पास होगा. और ये जो पोटेंशियल है मूवमेंट करने की, इधर उधर जाने की वाटर की, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, वाटर पोटेंशियल is represented by sign that is this. और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइ. ये ग्रीक साइन है जिसको हम बुलाते हैं साइ. तो अगर हमें वाटर पोटेंशियल लिखना है, क्या लिखना है बेटा, वाटर पोटेंशियल. तो वाटर पोटेंशियल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, भैया हर बार वाटर पोटेंशियल लिखेंगे तो बहुत टाइम लग रहा है. तो हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, साइ W, psi W मतलब वाटर पोटेंशियल, ठीक है. अब वाटर पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. किसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसको हमने क्या बोला कि भैया ये तो हमारे लड़के हैं, और हमारे लड़कों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है इधर उधर घूमने फिरने की, बहुत फ्रीडम है उनके पास, ये क्या हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है. अब बेटा हमारे पास एक बात आती है कि भाई हमारे पास हर वाटर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है. ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या ये सॉलिड्स में प्रेजेंट है, क्या ये लिक्विड्स में प्रेजेंट है? यस ऑफ कोर्स, लिक्विड्स एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स डू हैव काइनेटिक एनर्जी. बट हमारे पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है किसमें, गैसेस में. सबसे ज्यादा गैसेस में है, गैसेस के बाद लिक्विड, जिसमें आपका वाटर आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास सॉलिड्स, ठीक है. क्या है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कि भैया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, गैसेस में सबसे ज्यादा है, लिक्विड और फिर सॉलिड्स में आ गए. अब हमारे पास बेटा यूनिट आ जाता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या है. देखो वैसे तो हमने कंसेप्ट कैसे समझा कि ये एक काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला काइनेटिक एनर्जी. बट इसका यूनिट आ जाता है हमारे पास प्रेशर यूनिट, दैट इज पास्कल, ठीक है. पास्कल हमारे पास प्रेशर यूनिट है. ये प्रेशर यूनिट जो है पास्कल, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है ऑफ वाटर पोटेंशियल. इसको प्लीज याद रखना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है. ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल. क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में, हमें याद रहता है कि भैया एनर्जी है, जूल होगा इसका यूनिट. बट इसका यूनिट क्या है, पास्कल. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर यूनिट है पास्कल.
चलो अब हमारे पास बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की. क्या बात करते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. या हम बोल देते हैं मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल. ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कहां पे होगा? हम बेटा एक बीकर बना लेते हैं. वी हैव दिस बीकर. ये हमारे पास बीकर आ गया. बीकर के अंदर हमारे पास आ गए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. ये वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं मूव करने के लिए, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. हमारे लड़के हैं एकदम फ्री हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है भैया, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास बिल्कुल फ्री है. दे आर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, अब ये क्योंकि हमारे पास फ्री है, इनका मूवमेंट सबसे ज्यादा है. फ्री को दोबारा से लिख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा कुछ बच्चों को क्या लिखा है मैम ने. फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास बेटा प्रेजेंट होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट शो करते हैं. मैक्सिमम मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, इनके पास सबसे ज्यादा ऑस्मोसिस होगा. सो दे आर गोइंग टू शो मोर डिफ्यूजन, ज्यादा डिफ्यूजन करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल. सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा. अब सबसे ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल है, ये बेटा हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, प्योर वाटर में. ये क्या है, इसके अंदर प्योर वाटर. प्योर वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख लेते हैं वाटर पोटेंशियल. मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कहाँ है, प्योर वाटर के पास, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री है घूमने के लिए, इधर उधर कहीं पे भी घूम सकते हैं, राइट. सो इट हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विच इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई हम उसको मैक्सिमम भी बोल रहे हैं, हम उसको जीरो भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों किया भैया, साइंटिस्ट पागल हैं क्या, उन्होंने जीरो मान लिया. तो जीरो मानने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये बाकी की चीजों को बहुत सिंपल कर देता है समझने में. ठीक है, देखो हमारे पास 1 लीटर प्योर वाटर है. ठीक है, हमारे पास 10 लीटर प्योर वाटर है. अब दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ गया, भाई जो प्योर वाटर में मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, और जो हमारे पास 10 लीटर पानी है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. बट मॉलिक्यूल्स के नंबर से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रहा है. हम एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि भाई एक मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि भैया हमारे पास 10 लीटर पानी था और 1 लीटर प्योर वाटर था, तो दोनों में से किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके पास ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, इस तरीके के कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हमने सिंपल सा रूल बनाया कि अगर प्योर वाटर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर प्योर वाटर प्रेजेंट है तो प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया, इसके पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है विच इज इक्वल टू जीरो. और यूनिट क्या लगाएंगे इसके पीछे, यस यूनिट लगाएंगे पास्कल. ठीक है, भूलना नहीं है, 0 पास्कल. ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा. हमने पढ़ा वाटर पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट किया साई डब्ल्यू से. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जितनी ज्यादा काइनेटिक होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, डिफ्यूजन के लिए. इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट है हमारे पास पास्कल. सिंबल हमने लिख दिया साई डब्ल्यू. इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल दैट इज जीरो इन प्योर वाटर. प्योर वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट है. ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है वाटर पोटेंशियल का. अब बेटा यहाँ पे हमारे पास लड़के थे ना, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोला था कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के हमारे लड़के हैं. सिर्फ लड़कों की बात करेंगे मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लड़कियों की भी बात करेंगे हम. सो लेट्स डिस्कस अबाउट गर्ल्स. और यहाँ पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल. क्या गया बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल.
ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूट पोटेंशियल. तो सॉल्यूट पोटेंशियल, अब यहाँ पे सॉल्यूट आ गया. सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? हमारे पास जैसे सॉल्ट हो गए, शुगर हो गया, राइट, ये सब क्या हमारे पास सॉल्यूट्स हैं. हमारे पास एक बीकर था. यस, वी हैव अ बीकर. बीकर में क्या है बेटा? बॉयज, मतलब वाटर मॉलिक्यूल. बहुत सारे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है. अभी तो हमारे लड़के बेटा एकदम फ्री हैं, है ना? दे आर हैविंग फन. सो बॉयज फन कर रहे हैं, एकदम मस्त इधर उधर घूम रहे. दे आर फ्री, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है जब तक ये प्योर वाटर है. तो हमने बोला ये है प्योर वाटर, और प्योर वाटर में क्या प्रेजेंट है बेटा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है. ये हमारे लड़के हैं इधर उधर घूम रहे. दे आर इन रैंडम मोशन. क्या कर रहे बेटा? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में, कहीं पे भी, कोई भी जा रहे हैं, जहां जिसकी इच्छा कर रही है वहां पे घूम रहे. बट वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम दूसरा बीकर लेके आएंगे. ये दूसरे बीकर में हमारे लड़के पहले से थे, ठीक है, और बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, पर हम पहले लड़कियां ले आते हैं, ठीक है. सो दीज आर आर गर्ल्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? गर्ल्स आ गए. अब ये गर्ल्स क्या है बेटा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल. ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूट का मॉलिक्यूल. अब बेटा ये बताओ, अगर लड़की आएगी तो लड़के बात नहीं करेंगे क्या? करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे. तो बेटा जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूट आता है, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट. जैसे ही सॉल्यूट आएगा, उसके आसपास गुड़ के पास मक्खी भिनभिनाने लग जाएगी. ये हमारे बॉयज आ गए, ठीक है. ये क्या आ गए? वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे? इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे सॉल्यूट के साथ. सो देयर विल बी सॉल्यूट वाटर इंटरैक्शन. क्या होगा यहाँ पे बेटा? इंटरैक्शन, बातचीत चल रही है बेटा, ठीक है. सॉल्यूट और वाटर का इंटरैक्शन चल रहा है, बातें चल रही हैं. अब ये बातें चल रही है हमारे बीच में, तो बेटा यहाँ पे इंटरैक्शन होगा, एनर्जी कम होगी या नहीं होगी? बातें करोगे तो एनर्जी तो कम होगी, राइट. सो इसकी वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अब जैसे ही हमारे पास इंटरैक्शन होना शुरू हो गया, राइट, इंटरैक्शन होना शुरू हो गया, सॉल्यूट के आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई. दिस डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल. क्या बुलाते हैं हम इसको? सॉल्यूट पोटेंशियल. तो दूसरी स्लाइड ले लेते हैं. डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल. इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? सॉल्यूट पोटेंशियल. ठीक है, ये हमारे पास हो गई आपकी सॉल्यूट पोटेंशियल. अब इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखेंगे? तो बेटा सबसे बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान देंगे. यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. पहले हम सॉल्यूट को ले आते हैं, हम अपनी लड़कियों को आज पहले ले आते हैं. तो हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल आ गया. जैसे ही सॉल्यूट्स आएंगे, सॉल्यूट्स के आने के बाद वाटर उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, राइट. ये निब्बा निब्बी, निब्बा के साथ कौन आएगा? निब्बी, निब्बी के साथ कौन आएगा? निब्बा. तो ये निब्बा निब्बी आ गए, ठीक है. कुछ लड़के फ्री भी घूम रहे हैं, कुछ लड़के फ्री हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, पर मेजोरिटी ऑफ लड़के क्या है? निब्बा निब्बी बन गए हैं, ठीक है. यहाँ पे इंटरैक्शन चल रहा है, निब्बा निब्बी का इंटरैक्शन चल रहा है. इस इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना. वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास कम हो रहे हैं, ठीक है. इसके जो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्री मॉलिक्यूल्स कम हो गए, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. ये दोनों रीजन की वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चे? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर decrease in water potential. और ये जो water potential में decrease होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? solute potential. इसे को क्या बोलते हैं हम? solute potential. This is known as solute potential. इसी को हम क्या बोलते हैं? solute potential.
तो बेटा सॉल्यूट के आने की वजह से जो हमारे पास एनर्जी डिक्रीज होगी उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा उसे हमने बोला सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आ जाता है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल में क्या होता है बच्चे, हमारे पास हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको साई पी से। हाँ, सॉल्यूट पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लिखते हैं साई एस से। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, साई एस से लिखते हैं। तो ये हमारे पास साई एस आ गया। ठीक है, साई एस के बाद फिर हमारे पास आ गया आपका प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल में क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे देखो एक सिस्टम बनाते हैं हम, इस तरीके से हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम में बीच में लगी हुई है मेम्ब्रेन। ठीक है, बीच में क्या लगी हुई है बेटा, मेम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल्स है बेटा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों है ये फ्री, क्योंकि इनके पास क्या है, ये प्योर वाटर, ये क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया बेटा, दूसरी तरफ हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट्स आ गए, सॉल्यूट्स आ गए, सॉल्यूट के आसपास आ गए वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से बड़े कर देते हैं, सॉल्यूट्स को दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का है कम है, राइट, वी हैव, अरे हाँ, वी हैव लेस फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, कम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है, मतलब वी हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी। कम काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब हमारे पास क्या होगा, लोअर और लेसर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन कम है मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर पोटेंशियल कम है, देयर इज लेसर वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे कैसा होगा, हायर वाटर पोटेंशियल, या हम इसको बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन में हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, डिफ्यूजन कम होगा, मतलब हमारे पास वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब आप अपने आप सोच के मुझे बताना, काइनेटिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे। अगर मैं इसको बोल देती हूं ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, ए टू बी मूव करेंगे या बी टू ए मूव करेंगे। यस किड्स, हमें काइनेटिक एनर्जी को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे बेचारे रिस्ट्रिक्टेड है, निब्बी उन्हें कहीं जाने ही नहीं देती है ना, निब्बी कहीं जाने ही नहीं देती, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने ही नहीं देती, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है, जाएगा तो दूर की बात, फ्री नहीं है वो बेचारा। तो वाटर कहां से कहां मूव करने लग जाएगा बच्चे, तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ वाटर जाना मूव कर देगा। सो वाटर मूव्स, वाटर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, और ये कंसेप्ट क्या है कि वाटर हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो हम इसको दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं, वाटर, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट्स यूज अनदर कलर, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल।
आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं, रट्टा नहीं मारना है हमें कि भाई मैं इस कंसेप्ट का रट्टा मार लूं कि वो वाटर पोटेंशियल हाई से लो पे जाता है, नहीं इस तरीके से याद ही नहीं करना हमें, हमें तो बस कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है कि बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब हायर वाटर पोटेंशियल होगा मतलब यहाँ पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी मतलब यहाँ पे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे, सिंपल। लोअर काइनेटिक एनर्जी है मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लोअर काइनेटिक एनर्जी, लोअर वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पे लेसर डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन कम होगा तो मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, निब्बा निब्बी, तो निब्बी बेचारी निब्बा को कहीं जाने ही नहीं देती है ना, निब्बा निब्बी एक दूसरे के साथ लगे हुए, कहीं घूमना फिरना हो ही नहीं रहा, तो इसी वजह से दूसरी साइड से वाटर मूव कर जाएगा कहाँ पे, लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है विच इज इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं, वो ये कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। खुद ही सोच के देखो, खुद ही सोच के देखो, ठीक है, अपने आप सोचो, प्रोसेस करो इस इंफॉर्मेशन को। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके देखो। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है हमारे पास, जीरो। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है, जीरो। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हो गया जीरो। अब बेटा जीरो में हम कम कर रहे हैं, राइट। डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। तो जीरो से कम पे कर रहे हैं, जीरो से कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। ऑलवेज इज अ इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज रिमेंबर दिस वन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हम एक सिस्टम बना लेते हैं, दो सिस्टम या चलो तीन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम जिसमें हमारे बॉयज हैं, बॉयज आर हैविंग फन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर में क्या प्रेजेंट होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज जीरो। दूसरा कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हमारी गर्ल्स आ गई और यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है, राइट। देयर इज इंटरेक्शन, सो देयर इज सॉल्यूशन ए, ए सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसमें लेस सॉल्यूट्स है, अब इतनी ज्यादा सॉल्यूट्स नहीं है, कम सॉल्यूट्स हैं। कम सॉल्यूट है मतलब हमारे पास इंटरेक्शन भी कम होगा, सो देयर विल बी लेस सॉल्यूट वाटर इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट वाटर का इंटरेक्शन भी क्या होगा बेटा, कम होगा। सॉल्यूट वाटर का इंटरेक्शन कम होगा मतलब यहाँ पे डिक्रीज तो होगा काइनेटिक एनर्जी में, बट वो डिक्रीज क्या है, ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है एंड देयर इज डिक्रीज इन, ऐसे लिख देते हैं, लेसर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेसर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और ऐसे ही लेसर डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। और हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स से, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू 5 पास्कल। क्या यहाँ पे 5 पास्कल सही है या आई शुड राइट -5 पास्कल? बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 पास्कल। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई सॉल्यूट पोटेंशियल की वो कितनी आ गई, -5 पास्कल। अब ऐसे ही दूसरा कंसेप्ट आ गया, एक और हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, ज्यादा सॉल्यूट है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होगा, राइट। तो ये हमने ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन बी, यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट्स हैं, मोर सॉल्यूट्स, ज्यादा सॉल्यूट्स होने की वजह से हायर इंटरेक्शन, ठीक है। ज्यादा इंटरेक्शन होगा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, मोर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी,
देर इज मोर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से मोर डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगा. लेट्स से इट बिकम्स माइनस 10 पास्कल. तो ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस 5 और माइनस 10 में से बड़ा कौन सा है. ठीक है, वाटर किस तरफ मूव करेगा, अगर हम ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, क्विकली टेल मी. अगर हम ए और बी सॉल्यूशन को कनेक्ट कर देते हैं तो वाटर किस तरफ मूव करेगा. इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया मान लो. अब वाटर किस तरफ मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या रहेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, क्यों जाएगा ए से बी में, क्योंकि ए के पास अभी भी ज्यादा एनर्जी है इन कंपैरिजन टू बी. ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल. नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज योर प्रेशर पोटेंशियल. तो अब हमारे पास आ गया बेटा प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जब भी किसी सिस्टम में हमारे पास वाटर की एंट्री या एग्जिट होगी. ठीक है, यहां से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3-4 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे हमारे पास ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ए. ठीक है, तो ए और बी. ठीक है, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हमारे पास ए की कंडीशंस लिख लेते हैं. ए में क्या है, लेस सॉल्यूट्स हैं, लेस सॉल्यूट्स होंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू बी. यहाँ पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, विच मीन्स दे विल बी मोर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है. वहीं पे अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या हो जाएगा, देर आर मोर सॉल्यूट्स, सॉल्यूट ज्यादा होंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लेसर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो देर विल बी लेसर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और भी ज्यादा कम होगा. हेंस द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट चल रहा है, प्रेशर पोटेंशियल आ गया. बस बेटा बस इतनी सी बात है. अब जब जीवन में निब्बी आ जाएगी तो प्रेशर तो अपने आप आएगा, है ना, जीवन में निब्बी आ जाएगी तो प्रेशर तो अपने आप आएगा. सो दिस इज व्हाट प्रेशर पोटेंशियल इज. जैसे ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, है ना. निब्बा ने बोला कि यार मैं आज अपने दोस्तों के साथ ना पार्टी करने जा रहा हूँ, निब्बी हो गई गुस्सा. ठीक है, निब्बी हो गई गुस्सा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या निब्बी ने बोला कि नहीं यार तुम मेरे साथ ही रहो, किसी के साथ मत जाना, प्रेशर क्रिएट हो गया ना बेचारे निब्बा के ऊपर. That is what your pressure potential is. तो pressure potential को अगर मैं define करूँ, so how are we going to define it? Pressure created due to entry or exit of water molecule. बेटा अगर water molecule निब्बी के साथ रहेगा तो pressure बनेगा, निब्बी से दूर चला जाएगा तो तुम्हें पता ही है उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा. ब्रेकअप इज डिफिकल्ट यार, ब्रेकअप तो डिफिकल्ट होता है, राइट. सो चाहे वाटर अंदर आए चाहे वाटर बाहर जाए, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट इज नोन एज योर प्रेशर पोटेंशियल. एक सेल को ले लेते हैं, इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है. एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर प्लांट सेल, ये हो गई सेल वॉल, और ये हो गई बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए. अब इस सेल में मान लो बाहर से पानी आ रहा है, या हम दो सेल बना लेते हैं, इसके एडजेसेंट एक और सेल बना लेते हैं, इसी के एडजेसेंट एक और सेल बना लेते हैं, दिस इज अनदर सेल. ठीक है, सेल वॉल आ गई और ये आ गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, मान लेते हैं इसके पास हायर वाटर पोटेंशियल है और इसके पास क्या है, लोअर वाटर पोटेंशियल. पानी कहां से कहां मूव करेगा,
ए से बी में वाटर मूव करेगा, राइट, ए से बी में वाटर मूव करेगा, दिस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, राइट, वाटर ए से बी में जा रहा है, तो ए के साथ क्या होगा, राइट, पानी डिक्रीज हो जाएगा, लेसर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी कम होता जा रहा है, लेसर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू एग्जिट, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है, ड्यू टू एग्जिट पानी बाहर की तरफ जा रहा है। अब पानी बाहर जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक करने लग जाएगी, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, इसका क्या था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हमारे पास श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल श्रिंक, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये अब हमारे पास श्रिंक कर जाएगा, इज इट विजिबल, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से क्या हो गया बेटा, श्रिंक हो गया, ठीक है, पहले से क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया, सो इसमें क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, बी के अंदर क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, सो देयर इज एंट्री ऑफ वाटर, पानी अंदर आ रहा है, पानी के अंदर आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, अरे रे रे, हाँ दे विल बी मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास कोई रूम था, रूम के अंदर लोग भरे हुए हैं, और लोग आते जा रहे, और लोग आते जा रहे, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, धक्कम धुक्की देना शुरू कर दोगे, राइट, सो मोर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से देर विल बी मोर वाटर पोटेंशियल, या वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एंड इट क्रिएट्स अ प्रेशर, क्रिएट्स प्रेशर, कौन क्रिएट करेगा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे पानी आता जा रहा है, पानी बनाते हैं, ठीक है, रेड तो हमने अपने सॉल्यूट्स के लिए यूज किया, तो ब्लू कलर से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को बना देती हूँ, यहाँ पे पानी आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स प्रेशर ऑन सेल वॉल, किसके ऊपर बेटा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, दिस प्रेशर इज नोन एज, दिस इज नोन एज टर्गर प्रेशर, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, और ये प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर है, कैसा है ये, पॉजिटिव है नेचर में, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस हम आराम से देख सकते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल्स भरते जा रहे हैं, जैसे बलून में हवा भरती जाती है, ऐसे ही सेल के अंदर वाटर भरता जा रहा है, राइट, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स भरते जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन अपने आप को स्ट्रेच करती जा रही है, स्ट्रेच करती जाएगी, और हमारे पास किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, अब ये सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी बेटा, हमारे पास बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गए, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल के कांटेक्ट में आ गई, जिसकी वजह से अब यह क्या कर रही है, सेल वॉल पे प्रेशर लगा रही है, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर, हम क्या बुलाते हैं इसको, टर्गर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं टीपी, क्या बोला हमने, टीपी, टर्गर प्रेशर, तो ये टर्गर प्रेशर हमारे पास लग गया, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव प्रेशर, तो ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल है, दिस इज पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल, और जब भी सेल इस तरीके की कंडीशन में होगी, तो इस तरीके की सेल को हम बोल देंगे टर्जिड सेल, और टर्जिड सेल के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा, जैसे ही हमारे पास टर्गर प्रेशर एग्जिस्टेंस में आ गया, क्या हो जाएगा बच्चे, नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी ना तो अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा, सेल एकदम खचाखच भर गई है, ना पानी अंदर आ सकता है ना ही पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी अंटिल एंड अनलेस सर्कमस्टेंसेस चेंज ना हो जाए, पहले जैसी चीज चलती रहेगी तो एज इट इज रहेगा। अब हम एक ही बात कर लेते हैं, आई होप टर्गर प्रेशर इज क्लियर टू एवरी वन, सेल के अंदर पानी आता जा रहा है, पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है, विच इज नोन एज टर्गर प्रेशर। दोबारा ए पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी लॉस हुआ था तो सेल श्रिंक कर गई थी, श्रिंक करने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन, ठीक है, देयर इज नेगेटिव प्रेशर नोन एज टेंशन, क्या बोला बेटा हमने इसको, टेंशन, तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, यस,
नोन एज टेंशन. तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह अच्छी है. नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है. नेगेटिव प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास क्या होता है आपका सक्शन, राइट? क्या होता है आपके पास, सक्शन क्रिएट होता है. सो देयर इज नेगेटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एंड दिस नेगेटिव प्रेशर इज सक्शन नोन एज टेंशन. बेसिकली क्या है, सेल इज गोइंग टू हैव, सेल हैव मोर वाटर डिमांड. इसके पास वाटर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, मोर वाटर डिमांड, क्योंकि पहले तो ये बहुत अमीर थी, ठीक है, पहले ये बहुत अमीर थी, इसने अपना सारा पानी इधर उधर बांट दिया. अब इतना पानी बांट दिया कि बेटा गरीबी आ गई, गरीबी आ गई तो पानी की रिक्वायरमेंट हो गई. अब ये अपना उधार वापस मांगने जाएगी कि भैया हमें पैसे वापस दे दो, पर कोई इसको पैसे वापस नहीं देगा, दुनिया का असूल है ना उधारी पे देवा पैसा कभी वापस नहीं आता. सो ये चीज हो रही है. तो आपके पास पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल आ रहा है और आपके पास नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल आ रहा है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल आ गया जिसको हमने बोला टर्गर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला टीपी. और नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल आ गया जिसको हमने क्या बोला, टेंशन. ठीक है, टेंशन में सेल क्या करेगी, डिमांड करेगी वाटर की. ठीक है, सेल को क्या चाहिए, और ज्यादा पानी चाहिए. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इसके साथ एक और कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज वॉल प्रेशर. दूसरा कंसेप्ट आ जाता है वॉल प्रेशर का. क्या आ जाता है बेटा, वॉल प्रेशर. तो वॉल प्रेशर क्या होता है, देखो टर्गर प्रेशर क्या था, टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय सेल वॉल, ओ सॉरी सेल मेम्ब्रेन ऑन सेल वॉल ड्यू टू एंट्री ऑफ वॉटर, ड्यू टू एंट्री ऑफ वॉटर. ठीक है, पानी के अंदर आने की वजह से. ये तो हो गया आपके पास टर्गर प्रेशर. बट बेटा न्यूटन्स लॉ, राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आएगा सेल वॉल की तरफ से. सो अ इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट प्रेशर is applied by cell wall on cell membrane and this pressure is known as क्या बुलाते हैं बेटा इसको, wall pressure. Wall pressure, which is known as WP. ठीक है, क्या बुलाएंगे हम इसको, wall pressure, that is WP. That's it, simple. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है. We have discussed your water potential. ठीक है, हमने पढ़ा आपका solute potential और हमने पढ़ा आपका pressure potential. Water potential water की वजह से है, right? It is due to water molecules. Due to kinetic energy of water molecules, this is due to addition of solutes. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, decrease in water potential. और ये क्या हो जाएगा, due to entry or exit ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे जाएंगे. ये हमारे पास मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी जीरो जो प्योर वॉटर में प्रेजेंट है. सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है, हमेशा नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें, एंट्री होगी तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा विच इज नोन एज टर्गर प्रेशर विच इज इक्वल टू वॉल प्रेशर. टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की वैल्यू इक्वल होगी. यस, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी,
इक्वल होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास एग्जिट होगा देन दे विल बी नेगेटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, दिस नेगेटिव प्रेशर इज नोन एज टेंशन। और टेंशन को बेटा ऐसे याद रखना कि यहाँ पे सक्शन हो रहा है, भाई यहाँ पे डिमांड है, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तभी तो तुम्हारे पास टेंशन आती है ना, वरना तो तुम तो मस्त हो अपने जीवन में। जब तक नीट का एग्जाम पास में नहीं आएगा, जब तक टीचर की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब तक तुम्हें टेंशन थोड़ी होगी, राइट। सो तब टीचर क्या हो जाएगी, डिमांड में आ जाएगी, राइट। सो सेम चीज है, जब भी हमारे पास टेंशन होगा तो हमें क्या चाहिए, चीजें चाहिए, डिमांड चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब इन तीनों के बीच में कुछ लिंक प्रेजेंट है, दैट इज वॉटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बट मेनली आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमारे पास कौन आया बेटा, निब्बा। और बेटा निब्बा आया तो निब्बा के साथ कौन आएगी, निब्बी। और हम आशा करते हैं कि जीवन में निब्बा के जीवन में निब्बी के आने के बाद क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या साइन लगाया, प्लस साइन, ठीक है। हम ये आशा कर रहे हैं, पता तो किसी को भी नहीं है, पर हर कोई यही सोचता है ना कि उसके आने से जीवन में खुशियां आएंगी, तो हम इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रेशर, दैट्स इट, इजी पीजी। तो फॉर्मूला अपने आप याद आ गया, सबसे पहले आया निब्बा, निब्बा के साथ आई निब्बी, निब्बी के साथ क्या आएंगी, खुशियां, पॉजिटिव खुशियां आएंगी, राइट। दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। सो वॉटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यूजुअली प्रेशर पोटेंशियल हमारे पास एबसेंट होता है, यूजुअली, राइट, यूजुअली एबसेंट होता है। यहाँ पे हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, एबसेंट एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कंसिडर्ड, हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास प्रेशर पोटेंशियल। अब नॉर्मली हमारे पास एबसेंट होता है तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या हो जाएगा, जितना वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल मेनली सॉल्यूट पोटेंशियल के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, सॉल्यूट पोटेंशियल के कंट्रोल, ठीक है। तो जितना जितना सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा उतना ही हमारे पास वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। अगर ऊपर से हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या कुछ भी रिमूव करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस होगा, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट योर वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सारी चीजें समझ में आई हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच। इसी के साथ बच्चों, ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू रीड योर एनसीईआरटी एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू क्रैक योर नीट एग्जामिनेशन। टिल देन, बाय बाय।